पंजाब में चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से हर वर्ग का समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। हाल ही में जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि उनके साथ अधिकतर एनआरआई हैं जो उनके लिए पंजाब में प्रचार करने जा रहे हैं, वहीं मंगलवार को कांग्रेस की तरफ से कई एनआरआई लोगों को पंजाब के लिए रवाना किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने इस दौरान पत्रकारों से विदेशों से आए लोगों से मुखातिब कराया। वो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, आज मुझको अच्छा लग रहा है। कुछ एनआरआईज आए हैं पंजाब में कांग्रेस का साथ देने। दलजीत सिंह सहोटा साहब यूके से आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं। देवेंद्र सिंह गरचा साहब कनाडा से आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं। हरिंदर सिंह चहल जी जर्मनी से आए हैं। गुरपाल सिंह जी यूके से आए हैं और बलिंदर सिंह जैनपुर साहब वेल्स से आए हैं। अगर असीं हुण जदों अज जावांगे जिस जिस बस जिहड़ी साडी एन आर आई एक्सप्रेस जाएगी उस इलाके दे एन आर आई बैठणगे, बाकी आपां अपने पिंडां दे विच उहनां नूं असीं कहा कि एक एक पिंड दो दो पिंड अडोप्ट करो, उत्थे प्रचार करो कांग्रेस दे हक। शकील अहमद ने कहा उनके साथ एनआरआई हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस के हक में प्रचार करने के लिए जागरूक करेंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को पंजाब में जितवाना चाहती है, इसीलिए जो एंटी कंबेसी वोट हैं उन्हें बांटने के लिए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी इसी तरह सक्रिय हो रही है ताकि फायदा बीजेपी को दिलाया जा सके। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट आरोप है कि केजरीवाल साहब और नरेंद्र मोदी जी के बीच में समझौता है और उस समझौते के तहत केजरीवाल साहब वहीं से अपनी पार्टी को लड़ा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, जिसकी वजह से एंटी गवर्नमेंट वोट बटे और उनको फायदा हो। एक तरफ और भी हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के का जो एक निशाना है उसकी तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। इसके पहले भी चुनावों में आरएसएस ने इस तरह का बंटवारे वाला और समाज को बांटने वाला बयान दिया था। अभी फिर आरएसएस के लोगों ने आरक्षण जो रिजर्वेशन है हमारा, जो हमारा संवैधानिक एक तरह से अधिकार है लोगों का, हम किसी आगे बढ़े हुए को पीछे नहीं खींचना चाहते हैं, लेकिन जो पीछे रह गया है उसी के लिए गवर्नमेंट का अफर्मेटिव एक्शन होता है। अभी दलित आरक्षण और दूसरे जो आरक्षण हैं उनके खिलाफ अभी आरएसएस ने फिर इस चुनाव के समय में आवाज उठा दी है राज बंटवारा करने के लिए। हम पुरजोर विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके जो जहां से वो कहते हैं कि हम जहां से अपना एक तरह से सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है हमारा आरएसएस, उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं कि हमारे संविधान ने जो सुविधाएं दी हैं और जो अफर्मेटिव एक्शन जिम्मेदारी है सरकारों की, उसके खिलाफ रिजर्वेशन के खिलाफ जो आरएसएस ने बयान दिया है हम उसको कंडेम करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को कंडेम करते हैं और अकाली दल से ये पूछना चाहते हैं कि आरएसएस के बाद क्या का जो बयान है कि रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए इसके बारे में, उसके बारे में अकाली दल की क्या सोच है, अकाली दल की क्या मान्यता है, वो उससे सहमत है या नहीं है। शकील अहमद ने चुटकी लेते हुए अरविंद केजरीवाल को छोटा मोदी और मोदी को बताया बड़ा केजरीवाल। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब छोटे मोदी हैं और मोदी साहब बड़े केजरीवाल हैं। दोनों का मोडस ऑपरेंडी, और मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और बातें कहूंगा, आपको फैसला करना है। मेरा अपना मानना है कि इन दोनों की मिली भगत से पूरे देश में एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। मोदी साहब और केजरीवाल साहब मिलके एक राजनीति कर रहे हैं।